मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग? ईश्वर को धन्यवाद देके, ईश्वर का स्मरण करके। सब अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। ओम ओम ओम। सब अपनी आंखें खोलेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पार्ट 8 पढ़ा था। पार्ट 8 के हमने रीडिंग की थी। पार्ट 8 हमारा था दोस्ती, है ना? तो पार्ट 8 हमारा क्या था? दोस्ती। इस पार्ट के हमने रीडिंग कर ली थी, एक्सरसाइज भी कर ली थी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, है ना? सभी लोग, हम पुस्तक में एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी, है ना? रीडिंग भी हो गई थी। आज हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि तोते को डॉक्टर के पास कौन ले गया? कौन ले गया था तोते को डॉक्टर के पास? उसका फ्रेंड। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, पहला प्रश्न है कि तोते को डॉक्टर के पास कौन ले गया? तोते को डॉक्टर के पास कौन ले गया? उत्तर। कौन की जगह क्या आ जाएगा? कुत्ता। तोते को डॉक्टर के पास कुत्ता ले गया। कौन था कुत्ता? उसका मित्र था। कौन था उसका कुत्ता? मित्र। अगला प्रश्न है, कुत्ता दर्द से परेशान क्यों था? क्यों था? क्योंकि उसके पैर में कांटा चुभ गया था, है ना? प्रश्न दो, कुत्ता दर्द से परेशान क्यों था? क्योंकि कुत्ते के पैर में कांटा चुभ गया था। हर प्रश्न के बाद, उत्तर के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपको हेडिंग नहीं डालनी है, आपको डेट डालनी है। जब भी आप लोग प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो डेट हमेशा डालें। आप लोग ये लिखे, फिर हम अगला प्रश्न करेंगे। ये हमारे लिखित वाले हैं, सॉरी मौखिक वाले हैं, हम फिर लिखित वाले करेंगे। ये दो प्रश्न कीजिए, फिर आगे के करेंगे हम लोग।
अच्छी सुंदर राइटिंग लिखेंगे, वन फिंगर डिस्टेंस लेके लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे, हमेशा बोलने की आदत डालें। बोल बोल कर लिखें। जल्दी लिखने की आदत डालें। अब आप क्लास 3 में जाने वाले हैं जल्दी ही, तो आपको आदत डालनी होगी, है ना। आपका अच्छे सुंदर राइटिंग लिखेंगे, है ना। वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे लिखने की आदत ही डालेंगे जल्दी। अब हम लिखेंगे अगला प्रश्न कि तोता कहाँ रहता था। सभी को पता है कहाँ रहता था तोता, हमने पाठ पढ़ा था ना बेटा। तोता पेड़ के ऊपर रहता था और उसी पेड़ के नीचे उसका दोस्त कुत्ता रहता था, है ना। तो हमें प्रश्न क्या पूछा है कि तोता कहाँ रहता था। तो हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 3। जानवर होते हैं चार पैर वाले, जिनको जानवर की गिनती में लिया गया है, वो किस में आते हैं, ये पक्षी की गिनती में आते हैं, तो पक्षी की कैटेगरी में आते हैं, तो ये पेड़ पे रहते हैं। और जानवर जो होते हैं पालतू जो होते हैं हमारे घर के आसपास होते हैं, और जंगली जंगल में होते हैं, है ना। अब तोते की दोस्ती किससे हो गई थी, तो इसका उत्तर मैं लिखूंगी, इसके लिए आपको 5 मिनट का समय दूंगी। तोते की दोस्ती किससे हो गई थी। तोते की दोस्ती कुत्ते से हो गई थी। लिखे सब लोग बोल के, वन फिंगर डिस्टेंस लेके अक्षर अच्छे लिखना है, और जब तक जो भी लिखे बोल बोल के लिखने की आदत डालें, बोले और लिखे।
मात्राएं ध्यान पूर्वक लगानी है। अच्छे से बोलो और लिखो। वन फिंगर डिस्टेंस का ध्यान रखना है। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न का नंबर, कुछ बच्चे प्रश्न नंबर नहीं डालते हैं, उत्तर नहीं डालते हैं, हर चीज का ध्यान रखना है। 5 मिनट का समय है, लिख लीजिए। समय 5 मिनट का हो गया है ना, नहीं हुआ है, स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम आगे के प्रश्न करेंगे। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 5 पे। 4 प्रश्न लिख चुके हैं हम, छोटे छोटे अच्छे आसान से उत्तर प्रश्न है ना। तो कुत्ते ने तोते की जान किस प्रकार बचाई? तोते ने कुत्ते की जान किस प्रकार बचाई?
तोते ने अपनी चोंच से कुत्ते के पैर में चुभे हुए कांटे को निकाल कर उसका दर्द कम किया, उसका दर्द ठीक किया। तोते ने अपनी चोंच से कुत्ते के पैर में चुभे हुए कांटे को निकालकर उसका दर्द ठीक किया। तो ये आपके प्रश्न उत्तर पूरे हुए, इसे आप लिख लीजिए। आपको समय दे रही हूँ मैं 5 मिनट का। अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। हर बार ये नियम याद रखना है, 1 फिंगर डिस्टेंस लेना है, 1-1 लाइन छोड़ के लिखना है। 1 लाइन में एक प्रश्न उत्तर होने के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर बोल के लिखना है। प्रश्न क्वेश्चन मार्क्स फुल स्टॉप हर चीज का ध्यान रखना है और बोल बोल कर लिखना है। चलिए ये हो गया होगा आप सबका, है ना। तो अब जल्दी ही दीपावली सामने आ रही है, तो सभी लोग अपने अपने घर में खूब इंजॉय करोगे दीपावली का। तो आप लोगों को दीपावली के ऊपर 5 वाक्य लिख के मुझे बताने हैं, है ना। ये आपका दीपावली का होमवर्क रहेगा। सभी लोग दीपावली की छुट्टियों में जो जो इंजॉय करेंगे, देखो दीपावली 5 दिनों का त्यौहार होती है। सबसे पहले दिन होता है धनतेरस, है ना। धनतेरस के दिन क्या होता है कि धन की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा, है ना। धन की पूजा करके लोग क्या करते हैं, अपने बही खातों की भी पूजा करते हैं, बहुत से बच्चों की दुकानें होगी। फिर दूसरा दिन आता है
चौदस का, रूप चौदस जिसे बोला जाता है, यम चौदस भी बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं लोग, सुबह से जल्दी उठ के स्नान करते हैं, तैयार होते हैं, है ना। इस तरह से दूसरा दिन होता है, तीसरे दिन होती है अमावस का होता है, जिसे बड़ी दीपावली कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन होता है, खूब सारे फटाके फोड़े जाते हैं, अच्छी रंगोली रोज ही नहीं बनाई जाती, लेकिन बड़ी दीपावली के दिन लोग फूल मालाओं से अपने घर को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, गुजिए संजोरी ये खिलाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और खूब सारे फटाके फोड़ते हैं। फटाके वैसे ज़्यादा नहीं फोड़ना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण होता है, पैसे भी नुकसान जाते हैं। और फिर अगला दिन आता है पड़वा का, जिस दिन क्या होता है कि गोवर्धन की पूजा की जाती है, गोवर्धन बनाए जाते हैं, है ना। और उसी दिन गाय बैल की भी पूजा की जाती है, उन्हें अच्छे से सजाया जाता है, उनके सामने भी फटाके जलाए जाते हैं। और फिर आखिरी दिन होता है भाई दूज का, है ना। भाई दूज के दिन क्या किया जाता है, बहन अपने भाई को तिलक लगा के उसकी लंबी उम्र की कामना करती है, उसे खाना खिलाती है और भाई भी उसे आशीर्वाद और उपहार देता है। तो इस तरह दीपावली क्या है, 5 दिनों का त्यौहार है ना। ये 5 दिन कौन कौन से हैं आपको हर साल बताया जाता है, इस बार भी बता रही हूँ मैं। तो सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, त्यौहार को खूब अच्छे से मनाएं। देखो फटाके जलाते समय सावधानी रखना चाहिए। तो इसी फटाकों के लिए आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। क्या था, एक बच्चा था, दीपावली का त्यौहार पास आ रहा था, है ना। उसकी मम्मी तैयारी में लगी थी, सफाई में। उसने अपने मम्मी से जिद की कि मुझे फटाका चाहिए, फटाके ला के दे। तो उसके पापा ने उसे फटाके ला दिए, लेकिन समझाया कि अभी फटाकों को नहीं फोड़ना है, हमें दीपावली पे ही फोड़ना है। लेकिन उसने क्या किया, जब उसकी मम्मी काम में व्यस्त थी तो वहाँ से एक रस्सी बम लिया और अपने दोस्त के साथ उसे फोड़ने के लिए गया। उसके दोस्त के साथ उसने कहा कि चलो चलो अपन लोग ये फटाका फोड़ेंगे, खूब आवाज़ आएगी, खूब मज़ा आएगा। अब उसने देखा कि वहाँ पे एक मटका रखा था फूटा हुआ, तो उसका दोस्त और दोनों शरारती थे, उन्होंने कहा कि अगर इसे इसके अंदर रख के फोड़ेंगे तो कितना मज़ा आएगा ना, इसकी तो डबल आवाज़ आएगी, ये भी फूटेगा, ये भी फूटेगा, ज़ोर से धमाका होगा। तो उसके दोस्त भी, बच्चा था वो भी समझता नहीं था, उसने कहा हाँ हाँ चलो चलो ऐसा ही करते हैं। अब उसने उन इसके अंदर रख दिया और जैसे ही फूटा तो उस मटके का एक टुकड़ा, जो बच्चा था राहुल नाम का बच्चा था ना, उसके सिर पे जाके लग गया। अब उसे चोट लग गई, खून बहने लगा। उसका दोस्त जो था दूसरा, वो देख के घबरा गया और उसकी मम्मी को बुलाने गया। अब उसकी मम्मी काम में बिजी थी, दौड़ के आई, उसने देखा कि राहुल को सिर पे चोट लग गई। फिर उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। तुरंत उसकी मम्मी ने ऑटो बुला के उसे हॉस्पिटल ले गई, फिर वहाँ उसका इलाज हुआ, वो ठीक हुआ। फिर डॉक्टर ने उसे समझाया कि हमें कभी भी इस तरह से फटाके, पहली बात तो अकेले में नहीं फोड़ना चाहिए ना, आप लोग भी ध्यान रखें कि कभी भी अकेले में फटाके नहीं फोड़ना चाहिए और इस तरह से कभी नहीं फोड़ना है, किसी भी चीज़ में रख के फटाका कभी नहीं फोड़ना है, और हमेशा बड़ों की उपस्थिति में ही फटाके फोड़े, है ना। तो त्यौहार को, खुशियों का त्यौहार है, इसे हम इस तरह से अपनी खुशियों को ख़राब न करें। अगर आपको जरा सी भी चोट लगती है आपका पूरा त्यौहार खराब होगा, अपने घर के परिवार का भी होगा। तो त्यौहार को खूब इंजॉय करें, अच्छे से खाएं पिएं मस्त, है ना। और अपनी सभी लोग अपने घर में अच्छी सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाएं और दीपावली की 5 लाइनें मुझे लिख के बताएं। तो सभी को हैप्पी दीपावली, खूब खुश रहो, इंजॉय करो और त्यौहार को खूब अच्छे से मनाओ। अब हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, शायद दीपावली के बाद। तो सभी को बाय बाय। सभी लोग ये अपना वर्क कर लें, है ना, कंप्लीट रखें नोटबुक।